गुड मॉर्निंग एवरीवन आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर टू एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग कंसेप्ट इम्पोर्टेंस एंड टेक्निक्स यहां पर दो वर्ड्स दिए गए हैं एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग हमने जो अपने फर्स्ट चैप्टर में किया हमने वहाँ पर बिजनेस एनवायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था एक था इंटरनल एनवायरमेंट और दूसरा था एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है जब हम खाली वर्ड यूज कर रहे हैं एनवायरमेंट इन रिलेशन टू बिजनेस एनवायरमेंट तो वहां पर हम उसे ये मानकर चलते हैं कि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट की तो यहाँ पर जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट की स्कैनिंग की जब यहाँ पर दूसरा वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल उसकी बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो बिजनेस का इंटरनल एनवायरमेंट है उसकी स्कैनिंग की हम बात कर रहे हैं तो एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग का मीनिंग कहाँ से निकल के आता है कि जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो हम एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंटल की स्कैनिंग की बात कर रहे हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल है वहां पर हम बिजनेस के इंटरनल एनवायरमेंट के स्कैनिंग की बात कर रहे हैं तो क्या कंसेप्ट है क्या इंपॉर्टेंस है क्या टेक्निक्स है यहाँ पर हम बात करते हैं उससे पहले यहाँ पे एक वर्ड और है स्कैनिंग स्कैनिंग का मतलब क्या होता है स्कैनिंग का मतलब होता है कि आप जो भी पूरी सिचुएशन है उसको एनालाइज कर रहे हैं एनालाइज करने का मतलब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को आप एंड कॉन्स जो है इंफॉर्मेशन उस के वो वहां से आप निकाल रहे हैं उसे इवेलुएट कर रहे हैं हर एक डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग कि क्या उससे बेनिफिट है क्या उससे नुकसान है क्या उससे आपको फायदे हो सकते हैं क्या उससे आपको नुकसान हो सकते हैं तो वो सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा तो एनालिसिस में हम यही देखते हैं स्कैनिंग जो टर्म है उसमें हम यही देखते हैं कि हर एक चीज को बारीकी से देखा जाए और उससे जो भी मतलब निकलता है उसको निकाल कर हम एक्शन ले सके जैसे नॉर्मल सी अगर हम वर्ड बोलते हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जब वो आपका स्कैन करता है स्कैन मतलब अगर हम कि वो आपका पूरी पूरी बॉडी बॉडी स्कैन स्कैन कर रहा है पूरी स्कैन करने का मतलब वो आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम को स्कैन कर रहा है कि जो हर एक पार्ट है बॉडी का चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं सारी चीजें या नहीं कर रही है सेम तरीके से जब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग की तो वहां पे हम हर एक फैक्टर को एनालाइज करते हैं कि वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो पा रही है उसका कहां पर क्या इफेक्ट जाएगा तो बिजनेस जो है वो इन्फ्लुएंस होता है आपके इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल सोशो कल्चरल लीगल नेचुरल ग्लोबल फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं तो इन सभी फैक्टर्स का इंपैक्ट जानने के लिए इसका क्या इफेक्ट होगा बिजनेस के ऊपर उसे जानने के लिए जरूरी है एनवायरमेंटल एनालिसिस करना तो जो फर्म्स हैं वो सिस्टमैटिकली एनालाइज करती हैं डायग्नोस करती हैं एनवायरमेंट को जिससे कि और ज्यादा अच्छे तरीके से आप उन फैक्टर्स का पता लगा सको जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे तो एनवायरमेंटल एनालिसिस है क्या एनवायरमेंटल एनालिसिस स्टडी है वेरियस कंपोनेंट्स की जो एनवायरमेंट में है बिजनेस के एनवायरमेंट में है और जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स पॉलिटिकल फैक्टर्स ग्लोबल फैक्टर्स एक्सेट्रा जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में भी किया था कि जो भी बिजनेस का एनवायरमेंट है चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है चाहे वो इंटरनल एनवायरमेंट है उसके सभी फैक्टर्स इंटर है एक फैक्टर में जो भी चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट बाकी सारे दूसरे फैक्टर्स में भी जाता है और उससे जो भी कंप्लीट इफेक्ट पड़ता है वो बहुत ज्यादा ह्यूज होता है तो उस इफेक्ट को समझने के लिए जरूरी है एनवायरमेंटल एनालिसिस करना और जब आप एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या अपॉर्चुनिटीज जो है वो एनवायरमेंट प्रोवाइड करवा रहा है क्या थ्रेट्स वो प्रोवाइड करवा रहा है और उसके अकॉर्डिंग जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग कर रहे हैं तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस निकल के आ रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज कर सकते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट environment, जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वहां से जो आपको अपॉर्चुनिटीज पता चली है उसको आप कहिए कि अपॉर्चुनिटीज का कैसे फायदा उठाए वो आप उसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं सेम तरीके से अगर जो एनालिसिस है एनवायरमेंटल स्कैनिंग है उससे आपको पता चल रहा है कि थ्रेट्स अवेलेबल है एनवायरमेंट से तो जो बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग अपनी वीकनेसेस को और अपने स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करके स्ट्रेटजी तैयार कर सकता है कि कैसे उसे एनवायरमेंट को फेस करना है फॉर एग्जाम्पल जो अगर लिबरलाइजेशन होता है कंट्री में लिबरलाइजेशन जैसे 1991 में हुआ तो उसका इफेक्ट क्या क्या होगा वो क्या क्या थ्रेट्स पोज करेगा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा तो उसका पूरा एनालाइज़ करके जो कंपनीज हैं वो आगे अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकती है तो जो एनवायरमेंटल एनालिसिस है इम्पॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड्स कॉपोट प्लानिंग एंड बिजनेस पॉलिसी जो एग्जिस्ट है, करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्ट्रेंथ से वो कैप्चर कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज को और अपनी वीकनेस की वजह से वो विक्टिम बन सकते हैं थ्रेट के जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है तो ये जो पूरा चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग ये बेसिकली फोर मेन वर्ड्स के ऊपर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन है वो क्या आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जो आपको ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस या ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग से पता चलती है और दूसरा है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स जो आपको एनवायरमेंटल स्कैनिंग से पता चलता है देन मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस या स्कैनिंग का जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग को हम इंटरनल स्कैनिंग भी कहते हैं और इंटरनल स्कैनिंग का मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट है आप उसे एनालाइज कर रहे हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जैसे फाइनेंशियल रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजीरियल टैलेंट वर्क एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिवस ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजिकल एंड आर एंड डी कैपेबिलिटीज प्रमोटर का विजन ब्रांड कोपरेट इमेज लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप एक्सेट्रा जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो एनवायरमेंट जो ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग है वो बिजनेस यूनिट के अंदर देखती है और वहां से आइडेंटिफाई करती है उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस उसके अकॉर्डिंग असेस करती है क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं टेक्नोलॉजिकल uh, या आर एंड डी कैपेबिलिटीज या मार्केटिंग कैपेबिलिटीज बिजनेस यूनिट की या प्रोडक्शन फैसिलिटीज और वो जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कंट्रोल में होते हैं बिजनेस यूनिट के तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस फॉर्म है वो अपनी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज कर सकती है और अपनी वीकनेसेस को दूर कर सकती है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग मेनली इंक्लूड्स एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एनालाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे पहले स्ट्रेंथ्स क्या है स्ट्रेंथ का मतलब है कि बिजनेस की वो कैपेसिटी जिससे बिजनेस एडवांटेज गेन कर सकता है ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब वो चीज जिसमें जो बिजनेस है वो एक्सपर्ट है और वो हेल्प करती है उसको कॉम्पिटिटर से कम्पीट करने में तो उसे हम स्ट्रेंथ्स कहते हैं और जो स्ट्रेंथ्स है वो पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रेंथ्स क्या क्या हो सकती हैं आपके पास साउंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं डायनेमिक एंड विजनरी मैनेजमेंट हो सकती है हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है कॉपोरेट इमेज आपकी अच्छी है गुड मैनेजमेंट लेबर रिलेशन अच्छे हैं, तो ये सारी चीजें हैं इनमें से कोई भी चीज आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है जैसे अगर हम जापानीज कंपनीज की बात करें तो जापानीज कंपनी की स्ट्रेंथ होती है उनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स में उनके ह्यूमन रिसोर्सिस में और इसी स्ट्रेंथ की वजह से जो जापानीज कंपनी है वो स्ट्रांग होती है उन इंडस्ट्रीज में जहां पे हाई स्किल्स चाहिए होती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया कंप्यूटर्स हो गया टेलीकोम्युनिकेशन हो गया तो जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज कर रहे हैं तो आपने क्या क्या क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं किन किन क्वेश्चन का आंसर आइडेंटिफाई करना होता है जिससे आपको अपनी Strengths पता चले। वो क्या कि आपके पास कौन कौन से हैं, क्या जॉब आप अच्छे से कर सकते हैं, कौन से स्पेशल आपके पास हैं, या जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस चीज को आपकी स्ट्रेंथ मांगते हैं जब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं तो आपको आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है जिससे आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने में देन आता है एनालाइजिंग वीकनेसेस वीकनेसेस का मतलब क्या है वीकनेसेस का मतलब है बिजनेस की लिमिटेशंस जो डिसएडवांटेजेस बिजनेस को हो रहे हैं एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटेटिव यूनिट्स वो किस वजह से हो रहे हैं जो वो वजह है वो जो कॉज है वही आपकी वीकनेसेस हैं वीकनेसेस भी पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट बिजनेस का वीकनेसेस भी आपकी कोई भी वीकनेस हो सकती है इंटरनल एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है इनएफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज है हाई लेबर टर्न है अनहेल्दी वर्क एनवायरमेंट है लेस पॉपुलरिटी है आपके ब्रांड की कॉपरेट इमेज अच्छी नहीं है पुअर लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप है कुछ भी हो सकता है तो इम्पोर्टेंट है कि जो बिजनेस है वो अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करे और टाइमली उन्हें ओवरकम करने की कोशिश करें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे नहीं हैं या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो इनमें से कोई भी वीकनेस हो सकती है एक बिजनेस यूनिट की जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो सकते हैं अगर बिजनेस यूनिट खाली एक ही प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है डायवर्सिफाई नहीं कर रही है तो ये भी आपकी वीकनेसेस हैं बिजनेस की जो उसके रेवेन्यू को बैडली इफेक्ट कर सकती हैं फॉर एग्जांपल हम लें कि जो कोलगेट है वो सिर्फ टूथपेस्ट और टूथ पाउडर सिर्फ यही दो प्रोडक्ट्स में जो कोलगेट ब्रांड है आपको मिलेगा तो उस का और जो दूसरे आपकी प्रोडक्ट वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो उसकी ओवर डिपेंडेंस कोलगेट की एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन पर उसका डिसएडवांटेज हो सकता है उसकी वीकनेस हो सकती है तो इसी तरीके से जब आप अपनी बाकी सभी रिसोर्सेज की जो एनालिसिस आप कर रहे हैं उसका तो क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या क्या वीकनेसेस हो सकती है क्या क्वेश्चंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर सकती ऑर्गेनाइजेशन क्या गलत कर रही है वो किस चीज को उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है क्या जॉब्स वो बहुत बुरे तरीके से करती है क्या चीज को वो अवॉइड कर सकती है क्यों उसके कॉम्पिटिटर्स उससे बेटर कर पा रहे हैं तो जो बिजनेस मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलप कर सकता है स्ट्रेटजीज कि कैसे बिजनेस फॉर्म की वीकनेसेस को ओवरकम किया जा सकता है और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है तो ये था हमारा की ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग में क्या क्या इंक्लूड आप करते हैं देन इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्या है एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के सबसे पहला है टू अंडरस्टैंड करंट एंड प्रोबेबल चेंजेस इन एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस मैनेजर के लिए अवेयर होना जो भी बिजनेस का एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट है जो भी चेंजेस वेरियस फैक्टर्स में हो रहे हैं एनवायरमेंट के चाहे वो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल है पोलिटिकल है ग्लोबल है कोई भी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बनाता है देन टू प्रोवाइड इनपुट इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि आपके पास वेरियस ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है उसमें से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है और वो कौन कौन से आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग करेंगे क्योंकि एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा डिसीजन मेकर

में कि वो कितनी इफेक्टिवली अपने के रिसोर्स को यूटिलाइज करता है और उन अवेल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को फेस करने के लिए इसके अलावा अदर ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं आइडेंटिफाई करना थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज को एनवायरमेंट की आइडेंटिफाई करना स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को बिजनेस की डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को न्यू एरियाज में बिजनेस को डायनेमिक रखना इम्पैक्ट को फोर्सी करना जो भी वेरियस कंपोनेंट्स का होगा बिजनेस एन्वायरमेंट के ऊपर तो जो एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके एडोप्ट कर सके एक्सटर्नल इश्यू को एंटीसिपेट कर सके क्या कॉन्सिक्वेंसिस होगा एनवायरमेंटल फैक्टर का और उसके अकॉर्डिंग प्लान एंड पॉलिसीज बना सके थैंक यू सो मच